बाबर जिम्बू विराट की कॉपियां करने में इतना बावला हो चुका है कि अब स्लेजिंग शुरू कर रहा है। ओ भाई तूने फ्लैट ट्रैक बनवाया कि भाई फ्लैट ट्रैक पे मैं 100 रन मारूंगा, तू डक पे आउट हो गया, बाकी सब रन मारे जा रहे हैं, चाहे वो रिजवान हो, समटाइम्स इज एक्टिंग समटाइम्स इज ओवर एक्टिंग, चाहे वो साउथ शकील हो, चाहे वो यहां से अब लिट्टन दास हो। लिट्टन दास ने तो धजियां उड़ा के रख दी है, दास ने पाकिस्तान को अपना दास बना लिया आज कि चरणों में रहना बेटा, उठना मत, पैरों में गिरे रहो पाकिस्तानियों, ऊपर उठने की हिम्मत मत करना। जो उसने छित्रौल करी है यहां पे, मुझे याद आ गया जब फ्लिंटॉफ ने पंगा लिया था युवराज सिंह से, उसके बाद जो कुटाई करी थी युवराज सिंह ने ब्रॉड की 6 छक्के, वैसे आज पंगा लिया जिम्बू ने, देखिए ऊपर एक्शन और रिएक्शन। जिम्बू जी ने पंगा लिया, नसीम ने बोला यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ना तुम रन बनाते हो, ऊपर से जाके बैटमैन से पंगे लेते हो बैटर से, वो हमा कवा के मारता है, इतना छित्रोल करता है, ग्राउंड से बाहर बॉल मार दी भाई, बॉल घुमा के रख दी इस आदमी ने, 1 छक्का 3 चौके 18 रन एक ओवर में, 50 ऐसे मारा है कि पता भी नहीं चला। पाकिस्तान को जैसे मैं बोल रहा हूं धजियां उड़ा के रख दी, दास ने बना दिया अपना दास। और ये जिम्बू की दूसरी तस्वीर हमने निकाल के रखी थी, विराट कोहली की कॉपियां। ओ भाई तू 7 जन्म भी ले लेगा तो भी विराट कोहली नहीं बन पाएगा, विराट कोहली एक ही है, उसकी नकल करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत कर। विराट कोहली तो इंग्लिश में स्लेजिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलियंस को, जो स्लेजिंग करते हैं तू जाके पता नहीं क्या बोल रहा है उसको, शुरली फुरली पता नहीं क्या बोला होगा तूने, सॉरी बोल रहा। लिट्टन दास ने देखा गुस्सा चढ़ा, सारा गुस्सा नसीम पे उतार दिया उसने, मार मार के भरता बना दिया। तो जिम्बू ना तो रन बनाता है, देखिए मास्टर प्लान क्या था इसका कि पिंडी की पिच पे फ्लैट पिच बनाऊंगा, खुद 100 मारूंगा हमेशा की तरह, खुद डक पे आउट हो गया, बाकी सब रन मारे जा रहे हैं, सब रन मारे जा रहे हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो नीचे आया हुआ इनका मुशफिकुर रहीम हो, चाहे वो लिट्टन दास हो। लिट्टन दास ने तो खत्म ही कर दिया ना पाकिस्तान को आज, और पाकिस्तान को वाकई ओडीआई और टेस्ट मैचेस छोड़ देने चाहिए, और T20 में भी इथोपिया युगांडा रवांडा टाइप अब टीमों से खेलना चाहिए। पाकिस्तान पे अब हंसी आनी बंद हो चुकी है, फिर आज वैसे हंसी तो आ रही थी कि हुआ क्या है इनके साथ, उम्मीदें बड़ी इनकी, बट इनके सबसे बड़ा बब्बर शेर वही था ना नसीम, लिट्टन दास के हत्या चढ़ गया वो, लिट्टन दास ने इतना मारा खात्मा कर दिया। बट यार बाबर आजम को मैं सोच के हैरान हूं, इतना ढीट हो चुका है आज की डेट में, ना रन बनाता है, अच्छा कैमरा में सबसे पहले आता है अंपायर के साथ खड़ा हुआ है, हे ये वो, मतलब ये पूरा अपने आप को क्या विराट कोहली समझता है क्या, ये क्या है, ये विराट कोहली कितनी कॉपी करेगा यार, जब डिक्लेयर किया था पाकिस्तान की टीम ने तो सबसे पहले आ गए थे नीचे भाई साहब ड्रेसिंग करके और तालियां बजा रहे थे, कैमरा वाले को भी 500 की पत्ती दे रखी है, 50 की पत्ती थी, 500 उसने देखा है, अरे बकवास कर रहे हैं आप, 50 की पत्ती दी थी, कमा लिया होगा, 50 की पत्ती, 50 की पत्ती दी थी, 50 की पत्ती उसमें से भी 40 वापस ले लिए उसमें से भी 40 दिए, इसका मतलब तस्वीर खिंचवा के, हाँ 10 दिए, वो भी कह रहा है कि ले लूंगा 2-3 दिन, जब डिक्लेयर हो रहा है तो बाबर आजम को दिखाया जा रहा है, जब DRS की बात हो रही है तो बाबर आजम को दिखाया जा रहा है, और स्लेजिंग और करने बाबर आजम पहुंच गया। बाय द वे मुझे लग रहा है कि स्लेजिंग का गुस्सा था वो। ये जो लिखा हुआ है कि इवन आई कैन स्कोर 100 ऑन दिस विकेट, इतनी घटिया विकेट ये लोग बनाते हैं, बहुत ही घटिया, इंग्लैंड के लिए इन्होंने घटिया विकेट बनाई, इंग्लैंड पेल पाल के चला गया, बाब जिम्बू ने 100 मारा, वहां से 3-4 लोगों ने 100 मार दिया इनके पास, एक मारता है दूसरी टीम से 4-5 मार देते हैं। सिमिलरली आज इन्होंने सोचा था भाई चलो साउथ शकील, वैसे 16-3 हो गए थे पाकिस्तान ऐसी पिच पे, इन्होंने सोचा था चलो भाई साउथ शकील और रिजवान ने बड़ी बड़ी सेंचुरीज मार दी, ये बच जाएंगे। अच्छा डिक्लेयर क्या सोच के किया था, क्या सोच के डिक्लेयर किया था भाई कि हम आज तुम मतलब बहुत हो गया बांग्लादेश को निपटा, बांग्लादेश नहीं निपट रही तुमसे और डिक्लेयर कर रहे हो, इससे अच्छा था वो 200 बनाने देते आप, 200 बनाने देते ना रिजवान को, और 30-40 रन का, हमने जब स्टैट्स देखे थे तो लास्ट 20 ओवर में जो टी के बाद हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट 5 की रन रेट से रन बनाए हैं बांग्लादेश ने, 98 रन की पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर युवराज और मुशफिकुर रहीम की, मात्र 19.2 ओवर्स में, 19.2 स्पीड्स कंपैरिजन नसीम शाह की फास्टेस्ट 144, स्लोएस्ट 117 स्लो बॉल, एवरेज 136, शाहीन की फास्टेस्ट 141, स्लोएस्ट 119, एवरेज इज 134, शहजाद की 142.8, स्लोएस्ट 128, एवरेज इज 136, एंड मोहम्मद अली की 141, स्लोएस्ट इज 129, एवरेज इज 135। अब ये भागते हुए स्पिनर नहीं है तो क्या है इसमें, सबसे कम ये हमें बोलते थे इसमें से कोई 150 नहीं फेंक सकता, हाँ। कोई 90 miles per hour नहीं कर सकता, अपने घुटनों में इंजेक्शन मार के जब शोएब अख्तर वहां पे 85-90 miles per hour करता था तो ये क्या करने आए हैं।
शाहीन अफरीदी तो लॉलीपॉप करा रहा है, शाहीन की तो चौकी पड़े जा रहे, बॉल ही नहीं पहुंच रही है लिटन दास और बाकी प्लेयर्स के पास, भूल गया शाहीन का ना तो स्विंग आता है। आपको पता है लिटन दास ने क्या बोला उसको कि बाबा मैं आधी पिच पर आता हूँ, आप बॉल करा लो, कम से कम पहुंच जाए, मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, आप टेंशन ना लो, चौके नहीं मारूंगा, बच्चे को मार लो, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। बाबा 25 साल का बाबा हो गया है भाई, दमे 25 साल का लग रहा है आपको? लगता तो नहीं है, लेकिन सोफे की शक्ल वाला आदमी 25 साल का है, उम्र 25 कम से कम 42.5 साल का आदमी 42.5। मैंने कल एक पोस्ट देखी कहीं 25 साल का लग रहा है, उसमें क्या दिखाया जा रहा था कि अगले ओडीआई वर्ल्ड कप तक जी विराट कोहली की उम्र हो जाएगी 38 जी, रोहित शर्मा हो जाएंगे 40 साल के। अबे यार ये आदमी, एक तो मैं इसको देख के परेशान हो गया, सुनिए तो सही, ये बंदा हैंडसम हम टीम में क्यों है, आपको बहुत बढ़िया। और पूरा आज मैं फिर से बता रहा हूँ, आज पूरे ड्रामे इसने करे कोहली की रीस में, कोहली की कॉपियां करने के चक्कर में इसने अपनी क्रिकेट खराब कर ली। कोहली की 10th कॉपी देखी मैंने ये, और इतना बेशरम इंसान है मैं बता नहीं सकता। टीम बर्बाद हो चुकी थी इंडिया में, याद करिए आप, टीम बर्बाद हो गई, रिजवान ट्रोल हो गया, पाकिस्तान के कपड़े फट गए, रोहित शर्मा ने दे टेपिया को मार मार के उसकी जाए, वो अपना टेपिया विल लग रहा है, मेरे बीवी बच्चों को ये दे देना, मेरा ये वाला मकान ये दे देना, ये गद्दे के नीचे 1500 रुपए है वो दादी को दे देना, ये सब कर रहा है, वो विल लिख रहा है जब रोहित शर्मा बॉलिंग करा रहा है। उसके बाद मैच हरवाने के बाद विराट के पास पहुंच गया, भाई मुझे बैट दे दो, भाई मुझे ऑटोग्राफ दे दो, वो टीवी में आ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान हारे जीते भाड़ में जाए, और विराट भाई मैनू प्लीज बैट दे दो, मैनू ऑटोग्राफ दे दो, मेरे नाल फोटो खिंचवा लो, बस ये कर रहा है। और आज भी तो देख ले, जब इनकी आई है बॉल पकड़ के अंपायर के साथ, अंपायर कह रहा है एक तो मेरे को समझ नहीं आ रही आप क्या बकवास कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं जो बोल, सी व्हाट यू आर सेइंग आई कांट अंडरस्टैंड, व्हाट आई विल से यू डेफिनेटली नॉट अंडरस्टैंड, ओके, सो व्हाट द हेल आर यू सेइंग, बॉल को ले लो के हा हू करके वो कह रहा व्हाट द हेल आर यू सेइंग, कह रहा डेफिनेटली बकवास कर रहा है। उसके बाद आप देखो कि स्लेजिंग तेरा क्या मतलब था लिटन दास से पंगे लेने का, उसने लिटन दास ने भरता बना दिया। उसके बाद नसीम ने भी बोला होगा कि यार तुमसे ना बैटिंग होता है ना तुमसे कप्तानी होता है, हम अच्छा खासा बोलिंग कराने गया, तुमने पंगा ले लिया, उसने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, मार मार के चक्कर, वो शॉर्ट बॉल रिजवान भी पीछे से ओवर के लिए उसने शॉर्ट बॉल का ट्रैप बनाया था, उसने शॉर्ट बॉल पर 18 रन मार दिए, ट्रैप ही यार, उसने पुल शॉट ये देखो ट्रैप ही खत्म, इतना ढीठ इंसान आपने देखा है, मतलब कि पाकिस्तान की धजियां उड़ा दी एशिया कप में, पहले वहां पे एशिया कप में फाइनल नहीं पहुंचे, ओडिया वर्ल्ड कप में आए, ओडिया वर्ल्ड कप में धजियां उड़ चुकी है, अफगानिस्तान से हार गए, इंडिया से हार गए, सबसे हार रहे हैं, ठीक है ना, सब पीट रहे हैं। अब इंडिया ने अहमदाबाद में कुचल के रख दिया, स्पेशली यार रोहित ने जो मारा था, अच्छी पोजीशन, आप देखो चलो आप हो जाती है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन रोहित ने तो खत्म कर दिया, जिस तरीके से एक नेवला कोबरा को पकड़ता है, सांप का फन कुचल देता है, उसने पैर रख के और फन कुचल, उसके बाद जो पिटाइयां हुई हैं, उसके बाद इतनी बेशर्मी के जाके विराट कोहली को, भाई तू ड्रेसिंग रूम में जाके रिक्वेस्ट कर ले, विराट को कोनी मार के बोल दे कि भाई मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आपके बंदा को यह तो भेज दो, सबके सामने अच्छा नहीं रखता, थोड़ा सा पर्दा कर ले, नहीं जी नहीं, इसके बाद इसको मौका नहीं मिलना था कभी ऐसे, मतलब ये मेरी आखिरी मोमेंट है, आ गया उसके पास, भाई मेरे को टी शर्ट दे दो, मुझे बैट दे दो, मेरे को साइन करके दे दो, विराट भी लगा हुआ है, चल ले ले पत्थर ले ले कोई बात नहीं, तो और तो जिंदगी में खुशी नहीं, फैन बॉय तो फिर क्या गलती, विराट को अबे फैन बॉय है तो कुछ, अब कप्तान है भाई, कैप्टन था, इतनी तो इज्जत रख रहे, तुम पता नहीं कौन से ग्राफिक निकाल रहे हो, पागल हो गए, मैं जो आपको एक स्टैट बता रहा था, आज नसीम ने मैच नहीं हरवाया या नसीम ने मारनी पड़वाई, इसने पंगे लिए, वो और हीट अप इसने लिया पंगा, उसने कर दिया नंगा, बाय द वे उसने धारे खोल के रख दिए, कब था जब उसने पहला चौका मारा था ना, एक बार उनका स्कोरबोर्ड दिखाना बांग्लादेश, बाद ये स्लेज करने पहुंचा 218 पे 5 बांग्लादेश, 316 पे 5 बांग्लादेश, डेक एंड। अब आप ये देखो यहाँ पे मुशफिकुर रहीम 45 की स्ट्राइक रेट, ये अच्छा खेला मोमिनुल हक, इसने चलो 65 की स्ट्राइक रेट, ऊपर 38 की स्ट्राइक रेट, 20 की स्ट्राइक रेट, 50 की स्ट्राइक रेट, नीचे आ जाओ आप लिटन दास 90 की स्ट्राइक रेट 89 और क्यों मारा, एक छक्का और 8 चौके मार दिए, 58 बॉल्स में 52 ओडीआई खेल के गया, क्यों, क्योंकि ये बाबरे जिम्बू जिम जिम जिम्बा, इसने जाके पंगा लिया और इसने जाके उंगली करी और उसने उंगलियां तोड़ दी इनकी आज, और स्पेशली नसीम शाह उसको खत्म ही कर दिया यार, लास्ट में तो ऐसे कंधे यार, तुमको पता है कि वो लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत बॉलर है, वो मेकअप करने में इतना टाइम लगाता है, तुमने उसको धजिया उड़ा के रख दिया,
वो अपने मत्थे पे चार उंगली रख के, नीचे चार उंगली रख के यहाँ पे व्हाइट पट्टा डाल के आया था, वो पट्टा पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया जब छक्के पड़े उसको। लिटन दास ने तो भाई कसम से इनको फोड़ फाड़ के रख दिया। 218